हेलो स्वीट्स एंड वेलकम टू द सेशन। आज इस वीडियो में हम लोग कुछ छोटे छोटे डेफिनेशंस वेक्टर्स के जो हैं उनकी बात करेंगे, और हमारा जो मेन फॉलो रहता है कि हम लोग उस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के रेफरेंस को लेके। ठीक है, वैसे तो आपने पढ़ा ही होगा भाई मैग्नीट्यूड क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं। तो एक सीरीज ऑफ फाइव क्वेश्चंस, वन मार्कर, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, उनको एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे, जिससे कि हमारे जितने भी फॉर्मूलेज जो हमारे बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो याद रहे। ठीक है, नाउ सबसे पहले हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। जब मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर की बात करते हैं, लेट मी राइट इट कि बेटा ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें कोई थ्योरिकल चीज़ें मैं बता नहीं रहा हूँ, सिंपल फॉर्मूलेज, क्योंकि इट्स अ वन मार्कर फॉर्मूले एंड डायरेक्ट एप्लीकेशन, इसकी हम बात करेंगे। राइट, तो अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो मैग्नीट्यूड का ये होता है कि आप कोई भी अगर वेक्टर होता है, जैसे आपको पता है कि ये अगर वेक्टर है, ठीक है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप सी के कैप, तो इसका मॉडुलस होता है ऐसे कुछ, ये आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो सिमिलरली अगर आप इस वेक्टर की बात करते हैं जो आपके पास यहाँ है, तो ये आपके पास कुछ मॉड ऑफ ए आ जाएगा, तो ए जो कोफिशियंट है वन है, ये भी वन है, ये भी वन है बेटा। राइट, ये अगर हमारे पास वन है सो दैट मीन्स वी कैन राइट इट एज वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, सो दिस इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड। क्या कहते हैं हम इसे? इसे हम मैग्नीट्यूड कहते हैं बेटा। राइट, वी कॉल दिस एज मैग्नीट्यूड। राइट, तो ये आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर का कॉन्सेप्ट है, एक बार देख लें, बहुत ही सिंपल है। ये वीडियो बनाने का मतलब ये था कि कुछ बच्चे को हेल्प हो जाएगा कि छोटे छोटे कुछ जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्या क्या होते हैं और कैसे इसको हम अपने प्रॉब्लम्स में ला सकते हैं। तो ये तो मैग्नीट्यूड की बात हो गई। सेकेंडली हम बात करते हैं दो डिफरेंट वेक्टर्स का हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। तो आपको ये तो पता है कि मैग्नीट्यूड जो है वो स्क्वायर टर्म है, तो अगर कोफिशियंट्स की, अगर कॉम्पोनेंट्स की हम बात करें, उसको स्क्वायर करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, तो इसमें कोई तो हर्ज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैग्नीट्यूड वी कैन मेक इट सेम। सी इफ आई राइट से वैक्टर ए, ठीक है, राइट टू डिफरेंट वैक्टर्स, राइट, लेट मी राइट इट एज से आई माइनस टू जे प्लस थ्री के, ओके, दिस इज वन वैक्टर फॉर मी, फाइन। इसी तरह से मैं और एक वैक्टर लिखता हूँ वैक्टर बी, विच इज नथिंग बट आई प्लस टू जे प्लस थ्री के, ओके, ऐसे। सो व्हेन आई राइट इट दिस मॉड ऑफ ए, जब मैं मैग्नीट्यूड निकालता हूँ, आप देखेंगे मैग्नीट्यूड क्या होता है। मैग्नीट्यूड में क्या हो गया, ये आपका ए इज नथिंग बट वन, राइट, बी इज माइनस टू, सी इज थ्री, है ना। सो दिस इज नथिंग बट वन स्क्वायर प्लस माइनस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर बेटा। राइट, सो दिस इज वट स्क्वायर टर्म, राइट, सो ये आपके पास वन प्लस फोर प्लस नाइन हो गया, विच इज रूट ऑफ 14, इजंट इट। सिमिलरली इफ आई राइट मॉड ऑफ बी, सो दिस इज नथिंग बट वट वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर, ओके, विच इज नथिंग बट नाइन प्लस, आई मीन दिस इज ऑल्सो 14। तो आप देख सकते हैं कि वैक्टर्स फैक्टर्स डिफरेंट हैं, टू डिफरेंट वैक्टर्स, बट द मैग्नीट्यूड, तो ये एग्जाम्पल आप मैग्नीट्यूड इज सेम, ओके, द मैग्नीट्यूड इज सेम बेटा, फाइन। तो आप आराम से इसको देखें, पहले तो कैसे इसको किया गया है थोड़ा लॉजिकली समझने की कोशिश करें कि दो डिफरेंट डिफरेंट वैक्टर्स हो सकते हैं बट उनकी मैग्नीट्यूड सेम हो सकती है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं दो वेक्टर्स आप ऐसे बनाएं, टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन का मतलब कहीं ना कहीं पैरेलल से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं बेटा, एक तो आप यहां पे कोई भी पहले एक वेक्टर ले लें, ठीक है, कोई भी एक वेक्टर ले लें, वेक्टर सपोज मैं लेता हूं से राइट ए इज इक्वल टू आई प्लस टू डिफरेंट वेक्टर्स I, J, K. This is one vector. Let me write one more vector, vector B, which is 3i plus 3j
plus 3k, isn't it? We can write in this way, fine. Now ये और ये अगर सेम डायरेक्शन की बात करते हैं, has to be parallel, ठीक है. सो दैट मीन्स इफ आई राइट 3 कॉमन आई गेट ए आई प्लस जे प्लस 3 के. ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बेटा. इसका मतलब ये हुआ कि आप इसे ऐसे लिखते हैं, बी इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ. सो वन वेक्टर इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ द अदर, सो ऑब्वियसली दे आर पैरेलल. Right, or we also call this as collinear vector. So this is the condition for collinearity also. Two vectors are parallel or collinear if one vector is the scalar multiple of the other. So we have two different vectors. You can see the direction is same. We can write in this way. So this is how you write it. So these are the examples. One marker. So they have asked for the two different vectors. So I have taken two different vectors. I have used the concept of collinearity or parallel vectors. Right? Okay. Now. अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कहीं बहुत जगह यूज होंगे बेटा ये. फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस. सो व्हेन एवर वी से अ डायरेक्शन ऑफ दिस, जनरली वी यूज दिस फॉर्मूला. ये आपका डायरेक्शन फॉर्म, ठीक है. यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर विल बी दिस. बेटा हमेशा याद रखे, जो भी वेक्टर होता है वो वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड. ओके, नाउ आई राइट इट एज ए कैप. दिस इज आई प्लस जे प्लस 2k होल डिवाइडेड बाय आई प्लस जे प्लस 2k, राइट. ऐसे है ना, दिस इज द यूनिट वेक्टर वी आर टॉकिंग अबाउट, इज इट राइट. तो ये आपके पास आ जाएगा आई प्लस जे प्लस 2k, राइट. वी राइट द मैग्नीट्यूड जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था मैग्नीट्यूड के बारे में. दिस इज नथिंग बट व्हाट, वन स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर. ओके, तो ये हमारे पास आएगा आई प्लस जे प्लस 2k, विच इज डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 1 + 2 + 4, रूट ऑफ 6. सो दिस इज द यूनिट वेक्टर आई एम टॉकिंग अबाउट इन द डायरेक्शन ऑफ. सो द फॉर्मूला फॉर द यूनिट वेक्टर इज व्हाट, दिस, राइट. वेरी सिंपल, जस्ट आई एम यूजिंग द फॉर्मूलेज, राइट, द कॉन्सेप्ट्स. ओके, अगेन इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वन, ये भी थोड़ा देखें आप लोग. Find the direction ratios and direction cosines of the vector. Maybe you know what are the direction ratios, what are the direction cosines, right? Okay, so when you say direction cosines, we talk about the cosines of the direction angles of a line which makes, right, which makes alpha, beta, gamma with the x-axis, y-axis, z-axis. So, unka jo cosine hota hai, usse hum direction cosine kehte hai. Okay, so direction cosine nikalenge kaise, ye hum dekh lete hain ek baar. ये अगर मेरे पास कोई वेक्टर होता है, ठीक है बेटा, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि इनका जो कंपोनेंट होता है, जैसे मैं इसको मैं वेक्टर लेता हूं आर सपोज, राइट, आई राइट इट इन आई प्लस टू जे प्लस. सो व्हाट आर द कंपोनेंट्स, व्हाट आर द कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स आर 1, 2 and 3. सो दिस आर ऑटोमेटिकली डायरेक्शन रेशियोज, वी कॉल दिस एज डायरेक्शन रेशियोज बेटा, डी आर वी कॉल, डायरेक्शन रेशियो कहते हैं हम लोग, ठीक है, इसे हम डायरेक्शन रेशियोज कहते हैं. और डायरेक्शन कोसाइन की अगर बात करें, सो देयर आर सम फॉर्मूलेस फॉर द सेम. डायरेक्शन कोसाइन्स कैसे करते हैं ये देख लेते हैं हम लोग. वी टेक एल, राइट, आई डिवाइडेड बाय कंपोनेंट्स का स्क्वायर, ठीक है. सो वी टेक 1/, इसकी कोफिशिएंट एंड कंपोनेंट का जो स्क्वायर होता है, दिस इज हाउ टू राइट इट, ठीक है. This is L, one first direction cosines, which is nothing but cos alpha, right? Similarly, we write it as M, we take the coefficient 2, component, same way we can write it as 1 square plus 2 square plus 3 square, right? This is again cos beta beta, this is one direction cosine. Similarly, we write N, which is nothing but what? 3/, under root of 1 square plus 2 square plus 3 square, okay? Which is nothing but cos gamma, ठीक है बेटा, ऐसे लेते हैं हम लोग, है ना. तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, 1/, राइट, 9 + 5, दिस इज रूट ऑफ 14. ओके, वी कैन राइट इट एज 2/ रूट 14, वी कैन राइट इट एज 3/ रूट 14. ओके, सो दिस इज हाउ यू फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज एंड द डायरेक्शन कोसाइन्स. गॉट माय पॉइंट? Okay, now very interesting thing, let me give you a very interesting fundamental here. Always remember that L square plus M square plus N square, right?
is always 1 beta. This is always 1, okay? Whenever you square it, it becomes 1. That means we are talking about, ये तो बस एक्स्ट्रा बता दिया मैंने आपको, cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is always equal to 1. Or we can write it as 1 minus sin square alpha, 1 minus sin square beta, 1 minus sin square gamma is equal to 1. Or I can write it as sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma is equal to how much? Is equal to 2. So this is how you write it. Okay? तो ये आप दो चीजें, ये कुछ अलग था, फाइंड द डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन. सो बेसिकली वी हैव फाउंड आउट एंड दिस इज द रिलेशन आई हैव टोल्ड यू अबाउट एन एक्स्ट्रा थिंग, कि ऐसा हमेशा याद रखने की भी दो कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो ये तीनों चीजें, ठीक है? आप याद रख सकते हैं, यू कैन यूज इट एनीवेयर इन द एग्जाम. अगेन व्हेन यू से टू फैक्टर्स आर इक्वल, राइट, सो ऑलवेज वी टॉक अबाउट फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इफ द फैक्टर्स दिस एंड दिस आर इक्वल. So that means if they are equal, so this is a very important thing, that we take the components equal, right? So x equal to 2, we take y is equal to 3, okay, we take z is equal to 4, fine. And you have been asked to find, hame pata x plus y plus z ki value nikalni hai. Hum kya karte hain? Simple, x plus y plus z, which is nothing but 2 plus 3 plus 4, which is equal to 9 beta. So this is the answer we have, right? Now, what we have discussed? We have discussed equal vectors, where the components are always equal when you say two vectors are equal. We have discussed direction ratios and direction cosines, which we will be using in different problems. बहुत सारे problems में हम लोग इसे use करते हैं बेटा, ठीक है? आप लोग देखोगे बहुत direction हम 3D में भी काफी use करेंगे. Unit vector कैसे निकाला जाता है ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है? और ये दो examples भी मैंने दिए आपको, two different vectors हों having the same direction. ये मैंने आपको छोटा सा example दे दिया, one marker. Then again we have two different vectors having same magnitude. ये वाली बात हो गई. उसके बाद magnitude निकालना तो मैंने आपको बता दिया. So these are the five six terms which are used in vectors, you know, most commonly. So you just go through it, understand this. This will be very helpful for solving the higher level problems. Right? With this, I end up the session. Thank you. God bless you.